बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ पालक और आलू की टिक्कियाँ, बहुत मज़े की होती हैं। इसके लिए मैंने 2 कप पालक लिया है और इसको आपने बहुत छोटा छोटा काट लेना है, और उबले हुए 2 कप आलू, ये 2 कप से ज़्यादा है लेकिन मैं 2 कप ही लूँगी, और 1 कप चॉप किया हुआ प्याज, तकरीबन टर्मेने साइज का प्याज था, मैंने पूरी काट ली है, और 1 चाय के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैंने 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है, और 3 बड़ी लाल मिर्चें थी, मैंने इनको मोटा मोटा सा पीस लिया है। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें नहीं है तो आप 1 खाने के चम्मच बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ले लें। 1 अंडा, 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर, और 2 खाने के चम्मच बराबर कसूरी मेथी, 1 चाय के चम्मच बराबर नमक, और 1/2 चाय का चम्मच बराबर ब्लैक पेपर, और 2 चुटकी के बराबर वाइट पेपर, इसके अलावा 2 स्लाइस। तो अब हम इनको बनाते हैं। अब सबसे पहले आलू डालें बाउल में, इसमें दो कप के बराबर आलू मैश हुए, पालक इसमें, प्याज इसमें, कसूरी मेथी इसमें, मिर्चें मोटी कुटी हुई लाल इसमें, लहसुन पेस्ट इसमें, हल्दी पाउडर इसमें, नमक इसमें, वाइट पेपर हमने 2 चुटकी के बराबर लेना है, इसमें ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, लेमन जूस इसमें, और ब्रेड के स्लाइस तोड़ लें इसमें। अब आप हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लें, और अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से इनको मिक्स करें। खूब हाथों से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और अगर आपको लगे कि आपका ये मसाला थोड़ा भुरभुरा है, टूट जाएंगी टिक्कियाँ, तो आप थोड़े से उबले हुए आलू ज़्यादा डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने, अब आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। अब 5 मिनट बाद हमने टिक्कियाँ बनानी है। इसके लिए एक मोल्ड है, बहुत आराम से बर्तनों वाली दुकानों से मिल जाता है, 50 रुपये में, 20 शॉप से भी मिल जाता है, 1 डॉलर शॉप से भी मिल जाता है, तो ये आप ले लें। इससे टिक्कियाँ अच्छी बनती हैं, एक जैसी बन जाती हैं आसानी के साथ और जल्दी, लेकिन अगर नहीं है तो आप हाथ से टिक्कियाँ बना लें, कोई मसला नहीं है। और इसमें सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा चिकना कर लें, और इसमें पालक और आलू का मसाला भर लें। और ये
इसी तरह से आपने आप सारी टिक्कियां बना लेनी है। टिक्कियां मैंने बना ली हैं। आपने टिक्कियों को बनाकर ज्यादा देर नहीं रखना होगा क्योंकि इनमें पालक है, पालक के अंदर पानी बहुत ज्यादा मौजूद होता है तो ये नरम पड़ जाएंगी। दूसरी बात, मैंने आपको अंडा बताया तलने के लिए। अगर आपसे टिक्कियां टूटे तो आप अंडा लगा कर तल लें। अंडे को फेंटें और उसमें 2 चम्मच दूध के डाल दें फ्रेश मिल के, और फिर आप अंडा लगा के तलें। लेकिन ये टिक्कियां बगैर अंडे के भी बहुत अच्छी तली जाती हैं, तो मैं इन्हें बगैर अंडे के तलती हूँ। अब आप तवे को गर्म करें या पैन, जिसमें भी आपने टिक्कियां फ्राई करनी है उस पर ऑयल लगा दें। बिस्मिल्लाह, और अगर आपने बगैर अंडे के तलनी है तो फिर आप एहतियात से इनको रखें। इसमें ये देखिए, मैंने अंडा भी फेंट लिया है, तो मैं 2 अंडे के साथ भी तल के दिखा देती हूँ। डिप करें इसमें, और इस तरह से सारा फालतू का अंडा उतार दें। और ये इसमें अब आपने साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल आप टिक्कियों के ऊपर डाल दीजिए ताकि जब हम इनकी साइडें पलटेंगे तो इन पे ऑयल मौजूद हो। एहतियात से इस तरह से आपने इनको हिलाना होगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इनको हिला दें। दरमियानी आंच पर फ्राई करें। फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी ना करें ताकि ये जले ना या इनका कलर ज़्यादा ख़राब ना हो। हल्के हल्के से इनको हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से हर साइड से तली जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल दें साइडों पर। देखें, दूसरी साइड से भी टिक्कियां फ्राई हो गई हैं। हल्की आंच पे फ्राई किया है तो इनका रंग खराब नहीं हुआ और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो गई हैं। दोनों तरफ से फ्राई हो गए तो अब आप इनको उतार दें, प्लेट में निकाल लें। इसमें इसी तरह से आपने सारी टिक्कियां फ्राई कर लेनी है। अब सारी टिक्कियां फ्राई हो गई, मैं इनको उतार देती हूँ। बिस्मिल्लाह, पालक और आलू की टिक्कियां बन गई। ये बहुत मजे की होती हैं, सबको बहुत अच्छी लगती हैं।
खास तौर पर ये लंच बॉक्स आइटम है, आप इनको लंच बॉक्स में दीजिए, पराठे के साथ, सैंडविचेस के साथ दीजिए, या इनके सैंडविच बनाइए, या फिर आप इनको वाइट राइस यानी उबले चावलों के साथ सर्व कीजिए। हर तरह से ये आपको मज़ा देंगी और सबको अच्छी लगेंगी। कलरफुल होती हैं तो बच्चों को भी अच्छी लगती हैं। बच्चों के लिए बनाते हुए आप इनमें स्पाइसेस थोड़े कम कर दीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेंगी, सबको पसंद आएंगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।